अस्सलामुअलैकुम। रात बहुत हवा चली, शायर रईस फरो। चंद नज़में पेश खिदमत हैं। इंक्वायरी, क्यों घूमने वाली कुर्सी पर उड़ता हुआ बादल जा बैठा, क्यों कंप्यूटर के केबिन में फैला हुआ जंगल जा बैठा, छोटे छोटे चालाकों में क्यों बड़ा सज पागल जा बैठा। नए शहरों की बुनियाद, उनकी बारगाह में जंगल के शेर जारोग कशी करते हैं। मौत ने उनसे वादा किया था आग नहीं जलाएगी सातवीं नस्ल तक, लेकिन मैं हूँ आठवीं नस्ल में। मैंने उनकी सफ़ेद खुशबू को महसूस किया है। उनकी दस्तार का एक सिरा मशरक में गुम है, एक सिरा एक और मशरक में गुम है। वो सूरज के आगे आगे कबा पहन कर चलते हैं। हम अपनी हदों में सिमटे हुए उन्हें देखते हैं और कहते हैं, नए शहरों की बुनियाद वही रखते हैं जो जंगल के शेरों को जारो कशी पर मामूर कर दें। हम तो अपने घोड़ों की गर्दन पर बाग भी नहीं छोड़ सकते। डिप्रेशन की शाम, गर्दनों को लिपटे हुए अल्सेशन, सांस की नालियों में उतारे हुए ट्यूब, सत्ते की रास बेचने वाला कंधार गुल, जख्मों की गैलरी में छींटे पाइचे अंगारे, कोबाल्ट रेज और वार्ड बॉय की टोके संगम पर आखिरी स्ट्रेचर। खानम जान, मिट्टी का बदन नाचे तो किरण, वो रोशनियों में नाचने वाली खानम जान, उसके हाथों की बदली में मेरे बाज अपना आंगन भूल गए। मैंने कहा, मैंने तेरी आंखों में कितने बिस्तर पेंट किए, जिस वक्त ये कमरा छोड़ूंगा अपने सारे ख्वाब तुझसे वापस ले लूंगा। उसने कहा, आओ सुबह से पहले हम तुम पिछले एक बरस में मरने वालों के फोटो देखें। आधा सफर हमने ख्यालों में किया, फिर वो बोला, जाल को दोस्त समझो और बादबान का ख्वाब देखो। इस बात पर लड़की को हंसी आई और हंसी में जिप से रखने की आवाज गुम हो गई। लाइट हाउस ऐलान कर रहा था, वो एब्सकॉन्डर्स हैं। उसके चेहरे से चिमगादड़ का साया उड़ा और अफसरों की घंटियां बजने लगी। कॉरिडोर में कदम तेज हो गए, मोटे जूतों के शोर में वो लाइट हाउस का पैगाम सुनता रहा और सोचता रहा, मैं कौन हूं, सोचना पहले है या होना पहले है। फिर टेलीफोन के तारों में उलझी हुई पतंगे फड़फड़ाई। जाल ने बादबान से कुछ कहा, लड़की लहरों पर हाथ फेरने लगी, एक लहर मैं भी बनाऊंगी, अपने नाम की लहर बना दो और लांच से कूद जाओ। बंदरगाह की मेज पर डाक जमा हो रही है, हवा की उंगलियां टाइपराइटर पर धुन बजाती हैं। जाल और बादबान बातें किए जाते हैं, लड़की रोती है, वो लहर कहाँ गई जो जिप के साथ खुली थी, वहां हंस की जोड़ी थी, उनके बच्चे बदलियों के आंचल खींच रहे थे और जंगल का पहला मौसम गहरा हो रहा था और आग चुराने वाले देवदार की शाखों से झांक रहे थे। वो लहर कहाँ गई? बहुत शुक्रिया।